हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार। आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा पर आप सबसे चर्चा करनी है। टेलीकॉम कंपनीज एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो सब अपने प्लान के प्राइसेस पिछले दो साल के अंदर दो बार बढ़ा चुके हैं और तीसरी बार बढ़ाने जा रहे हैं। मयूरेश जोशी, जो कि हेड ऑफ इक्विटी ऑफ रिसर्च एट इंडियन यूनिट ऑफ यूएस इक्विटी रिसर्च फर्म विलियन ओ नील एंड कंपनी ने अपने रिपोर्ट में ये बताया कि दिवाली से पहले ही एयरटेल कंपनी लगभग 12% से अपने टैरिफ के प्राइसेस को बढ़ा देगी और ये बात पूरी तरह पक्की है। खुद मित्तल साहब ने भी कुछ दिन पहले बताया था कि प्लान के प्राइसेस 30% तक बढ़ने वाले हैं साल 2022 में ही। कंपनीज का कहना है उनका ARPU कम है, अभी 135 है, 185 है और उनको 200 तक ले जाना है इस साल के अंत तक और बाद में 300 रुपये तक ले जाना है। तो आप समझ जाइए, कम से कम 50 से 60% तक प्लान के प्राइसेस बढ़ेंगे आने वाले दो साल के अंदर, जितने भी अभी प्लान के प्राइसेस हैं। आप 299 रुपये दे रहे हैं तो आपको 450 रुपये देने होंगे और कंपनीज का मन हो गया तो और भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। आने वाले दो साल के अंदर प्लान के प्राइसेस बढ़ते ही रहेंगे जब तक उनका ARPU 300 तक नहीं पहुंच जाता। दो बार प्लान के प्राइसेस बढ़े हम सब चुप रहे, लेकिन तीसरी बार बढ़ने जा रहे हैं ये ज्यादती सहन नहीं हो रही। एयरटेल कंपनी पहल करती है, पहले प्राइसेस को बढ़ा देती है। चूंकि एयरटेल के जो कस्टमर हैं ज़्यादातर हाई एंड हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देखा देखी वोडाफोन आइडिया भी प्लान के प्राइसेस बढ़ा देती है और फिर चुपके से जियो भी प्लान के प्राइसेस बढ़ा देती है कि जब एक लूट रहा है तो बाकी दोनों क्यों चुप बैठे। ऐसा ही पिछले दो बार हमने देखा, इस बार भी यही होगा। पहले एयरटेल कदम बढ़ाएगी और फिर जियो वोडाफोन आइडिया चुपके से प्लान के प्राइसेस बढ़ा देगी ताकि उनके ऊपर बात ना आए। दोस्तों, रिलायंस जियो ने हम सबको 1.5 साल डेटा फ्री दिया, हम लोग को आदत लगवाई, एक बार आदत लग गई तो फिर अच्छे पैसे लेने लगा। चलिए, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके बाद ने जो वादा किया था कि हम डेटा को बिल्कुल चीप कर देंगे, डेटा एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तरह पूरे देश में फैला देंगे, तरक्की की लहर ला देंगे, एयरटेल भी कहने लगा कि हमारा डेटा और चीप है, हमारा डेटा और बेस्ट है, वो सारे वादे कहाँ गए। वोडाफोन आइडिया क्लेम करता है कि उनका डेटा सबसे सस्ता है क्योंकि वो इतने ढेर सारे ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, आपके वादे कहाँ गए। मैं मानता हूँ ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि पहले कम कीमत में दिया जाए फिर बाद में कीमत बढ़ा दिया जाए, लेकिन क्या हम सब की कोई फीलिंग्स नहीं। हम सब भी तो सोच समझ के ही काम करते हैं। पहले प्लान की कीमत सस्ती, हम सबको आदत लगी, फिर कीमत बढ़ा दिए, क्या हम सब भेड़ बकरी हैं, इंसान नहीं। इसीलिए इस बार डेटा के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम सब सहन नहीं करेंगे। दिवाली तक हो सकता है कि प्लान के प्राइसेस बढ़े, तब हम लोग एक अच्छी मुहिम छेड़ेंगे। आज से कुछ दिन पहले हमने एक मुहिम छेड़ी थी कि 28 दिन के ही प्लान क्यों होते हैं, 30 दिन के होने चाहिए, और सीधा ट्राई की ओर से आदेश आ गया था कंपनीज को कि कम से कम एक प्लान शामिल करें। और ये सब हमारी आपकी ही ताकत थी, हम आपने मिलकर इतना बड़ा आदेश दिलवाया। अब हम सबकी पारी है और जिम्मेदारी है कि एक नई मुहिम छेड़ें, खुद के ऊपर अत्याचार और शोषण होने से बचाएं। दोस्तों, इस मुहिम को हम दो तरीके से शुरू करेंगे, पहला शांति प्रिय और दूसरा उग्र तरीका। दूसरा उग्र तरीका तब होगा जब कंपनीज नहीं मानेंगी और उसमें हम कुछ एक्शन लेंगे, जैसे कि PIL फाइल करना, जैसे कि बॉयकॉट कर देना सिम्स को, रिचार्ज ना करवाना, वो सब बात की बात है। लेकिन पहले शांति तरीके से हम लोग को अपनी असहमति दर्शानी है, उसके लिए हम सब ट्विटर का प्रयोग करेंगे। मैंने आज ही ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाया है, अभी तक मैं ट्विटर पर नहीं था। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, जिस पे कि मैंने ट्वीट किया है इन कंपनीज को टैग करते हुए, सरकार के जरूरी पर्सनालिटीज और बॉडीज को टैग करते हुए, और 4 खास प्रश्न पूछे हैं। इन 4 प्रश्न की अगर टेलीकॉम कंपनी जवाब दे देती हैं तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन जवाब दे ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनके मन में शोषण करना बैठ गया है। #NoMoreTariffHike हम लोग को ट्विटर पर लाना है, खूब तेजी से बढ़ाना है। जितने भी मेरे दर्शक ट्विटर पर एक्टिव हैं वो सब मेरी उस ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, चाहे शेयर कीजिए, चाहे आप सब नया ट्वीट कीजिए #NoMoreTariffHike के साथ। आप सब कुछ सवाल पूछिए, आप कुछ अपने मन की बात कहिए, बताइए आपको क्या समस्या है पैसे ज्यादा देने में, लेकिन #NoMoreTariffHike को आगे बढ़ाइए। ट्विटर पर मुझको फॉलो जरूर करिएगा, टैग करिएगा, ताकि मैं आप सबको देख सकूं आप सब क्या एंटरटेन कर रहे हैं और इस मुहिम को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता रहूं। आप सबको #NoMoreTariffHike का प्रयोग करना है और टैग करना है।
पीएम मोदी जी को, अपने स्टेट के सीएम को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, इसके साथ अश्वनी वैष्णव जी को जो कि रिलेटेड मिनिस्टर हैं, टेलीकॉम मिनिस्ट्री को ट्वीट कीजिए, ट्राई को ट्वीट कीजिए, COAI एयरटेल कंपनी को, जियो कंपनी को और वोडाफोन आइडिया और मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी तो है ही नहीं ट्विटर पे, सुनील मित्तल जी भी नहीं है। मुहिम को पहले चरण में हम सब ट्विटर पे खूब बढ़ाएंगे आने वाले 1-2-4 दिनों तक, जब तक हो सके इसको बढ़ाइए, अपने दोस्तों के फोन से ट्वीट कीजिए, मुझको फॉलो भी जरूर करिएगा दोस्तों ताकि मैं चेक कर सकूं, मुझको भी टैग कीजिएगा। मेरी आईडी है प्रवीण एम शुक्ला और मेरे इस ट्वीट को एक बार पढ़िएगा जरूर, उसमें मैंने 4 प्रश्न पूछे हैं, वही 4 प्रश्न पूरा मुद्दा है, वही 4 प्रश्न सटीक बातें हैं जो कि पूछी जा सकती हैं इन कंपनी से जवाब चाहिए उनका। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, गवर्नमेंट भी फ्लोर प्राइसेस को सेट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है इस विषय में, कंपनीज जैसे मनचाहे वैसे प्लान्स बढ़ा रहे हैं, उनको कम से कम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देना चाहिए जैसे बाकी सारी इंडस्ट्रीज में है, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके कंपनीज द्वारा। मार्केट यहाँ पर दोस्तों मोनोपोलिस्टिक है, 2-4 लोग ही हैं प्लेयर्स, कंपटीटर्स, अगर वो सब मिली भगत कर लें तो फिर हम सबका तो शोषण होना तय है। बाकी इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, अगर फिर भी टेलीकॉम कंपनीज नहीं मानती तो हम सब उग्र प्रतिक्रिया करेंगे, बॉयकॉट करेंगे कंपनीज को, रिचार्ज नहीं करेंगे, या फिर मैं कुछ और बेहतर सोचूंगा जिसमें आप सबका नुकसान न हो। इसलिए मुझको जरूर ट्विटर पे फॉलो करके रखें, हमारे चैनल पे बने रहने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए चैनल है, आप सबका ही चैनल है। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत, जय हिंद, जय भारत।